आम बजट से सोलन के लोग भी काफी नाखुश नजर आए। उनको यह उम्मीद थी कि जेटली इनकम टैक्स में कुछ रियायत देंगे, लेकिन इनकम टैक्स की स्लैब को छेड़ा ही नहीं गया। सोलन के स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने बजट में पूंजीपतियों की जेब पर सिर्फ 5% की कटौती की गई है, जिससे यह साफ हो चुका है कि आम आदमी का साथ छोड़कर सरकार पूंजीपतियों का साथ दे रही है। लोगों ने कहा कि बजट के बाद उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। लोगों का कहना है कि सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से आम आदमी को सभी जगह अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। मेरा नाम मोहित है और जो आज बजट पेश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस बजट के अंदर यूथ और स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक कोरी कल्पनाओं की तरह जैसे पिछले बजट के अंदर बात की गई थी, जो इस सरकार ने पहले बजट पेश किया है, उस तरह से कोरी कल्पना है। ना ही उसके अंदर कोई रोजगार का दिखाया गया है कि कोई रोजगार हम लोग कहीं क्रिएट करेंगे नए सेक्टर के अंदर। जो एजुकेशन के ऊपर किस तरह से खर्चा किया जाएगा, उसके ऊपर कोई चर्चा बजट के अंदर नहीं हुई है। कहीं ना कहीं अभी इसमें स्टेटमेंट आई है हमारे वित्त मंत्री की कि आम आदमी अपना ध्यान खुद रखे। इसके अंदर ये कि जो सरकार बनी थी उसने बड़े बड़े वादे किए थे, जो कि वादे एक पूंजीपति के लिए वो पूरे हो रहे हैं, पूंजीपति के लिए वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं, और एक आम आदमी के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। इसमें कहा गया है कि आप 10 साल की सेज जेल होगी, जो काला धन जिनका काला धन बाहर है। तो अभी तक काले धन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एक वादे पर वादे मोदी साहब किए जा रहे हैं इसके अंदर। तो इसने ये एक आम आदमी के लिए ये बजट कहीं पे भी एक अच्छा नहीं है, और आने वाले टाइम में ये पूरा जोर टैक्सेस का और इस महंगाई का आम आदमी के ऊपर पड़ने वाला है, और एक बहुत ही आम आदमी की जिंदगी एक बहुत ही खस्ता हालत में जाने वाली है। सर देखिए, एक बात है कि जब हम सरकार को देंगे, सरकार हमारा भी हम विकास की जहाँ तक सोच रखते हैं, तो विकास के लिए जो है सरकार जनरेट कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई जादू की छड़ी सरकार के पास है कि सरकार जो है घुमाएगी और जो है कहीं से आएगा। सरकार पहले उसको जनरेट करेगी और जनरेट जो है आम जनता से करेगी। अगर जो है हमें थोड़ा सा सरकार के खाते में भी अगर डालना पड़े तो मैं तो नहीं समझता कि जो है इसमें कोई बुराई है। के चैनल के लिए सोलन से चिन्मय कौशल की रिपोर्ट।